गर्म हो जाए तो ये हीट सिंक इस सर्किट को हीट अप होने से बचाता है और नुकसान होने से ये सर्किट को बचाते है। तो ये बंद करने की तरफ तो सारे स्क्रू मैंने हटाए, अभी इसको उल्टा करूंगा और उल्टा करने के बाद ये हीट सिंक रिमूव करूंगा। तो हीट सिंक को अलग साइड पे रखूंगा और यहाँ पे इन आईसी की तरफ आऊंगा। तो ये इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाए गए हैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। यहाँ पे ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम है ईसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना और उसको बूस्ट अप करना। और इसको अगर आप डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो इसका लिंक में आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके आप वहाँ विजिट करके वो भी सीख सकते हैं। ये शॉर्ट की डायोड है जो डायोड को वोल्टेज को जो है आगे लेके जाके जाते हैं और इसकी तरफ ले जाते हैं। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आई कार्ड में मेंशन करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आई पी एम आई सी की तरफ आते हैं। आई पी एम आई सी यू वी डब्ल्यू इस जेक के साथ लगाया गया है और ये जेक कंप्रेसर के साथ लग जाता है और कंप्रेसर को ऑन करने का काम जो है इस आईसी का है, आईपीएम आईसी का है। इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल या इंटेलिजेंट या इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल ये जो है इस मेन इस बोर्ड का आईसी है जो कंप्रेसर को ऑन करने में मदद देता है। अगर ये ख़राब हो तो ये आप चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट की डायोड आप चेंज कर सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर आप चेंज कर सकते हैं, ये पोलर कैपेसिटर आप चेंज कर सकते हैं, ये रिले आप चेंज कर सकते हैं, ये चापर आप चेंज कर सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं, ये छोटे छोटे कैपेसिटर आप चेंज कर सकते हैं, डायोड चेंज कर सकते हैं, एस एम डी टाइप कैपेसिटर आप चेंज कर सकते हैं। ना सिवाय इस मेन आईसी के, यहाँ पे मेन आईसी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर ये आईसी जल गया तो समझो कि आपका पूरा पीसीबी बोर्ड जो है वो ख़त्म हुआ। फिर आप फ्रेश पीसीबी बोर्ड को जो है अपने इंडोर यूनिट में, आउटडोर यूनिट में आप लगाएंगे। ये इस सर्किट का मेन आईसी है और सेंट्रल आईसी है। यहाँ पे ये पावर आईसी है, ये भी पावर आईसी है, छोटे छोटे आईसीबी भी लगाए गए हैं, आप लगाएंगे इस मेन आईसी। अगर ये जल गया तो फिर आपका पीसीबी बोर्ड जो है आउटडोर यूनिट का हो या इंडोर यूनिट का हो वो ख़त्म हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है और एक्सपायर हो सकता है। तो इस आईपीएम आईसी के भी के ऊपर भी मैंने एक शानदार वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके आप वहाँ विजिट करके वो भी सीख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझसे राबिता करके अपना मसला रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अपना पीसीबी बोर्ड रिपेयर करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राबिता करके मुझसे राबिता कर सकते हैं क्या है। बाकी इंडोर यूनिट के ऊपर भी मैं एक शानदार वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस शानदार वीडियो के साथ अली रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।